गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और आप गर्मी के कहर की भी बात कर सकते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आज के लिए अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि अभी जिस तरह से वक्त की बात करें, वक्त जो है वो 5:30 बजे के करीब का हो चुका है, लेकिन अभी भी आप देखें कि बहुत ज्यादा तपिश है, बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत ज्यादा धूप है। लोग जो हैं वो अपने आप को अलग अलग तरीके से बचा रहे हैं। अगर लोगों की बात करें तो अलग अलग ड्रिंक्स जो हैं वो लोग पी रहे हैं। अगर अभी आप बात करें जिस तरह से अभी कुछ देर में मौसम की बात करते हैं, मौसम जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से ये देखिए, ये से जिस तरह से बात करते हैं यहाँ पर ब्लैक टॉप की, तो ये ब्लैक टॉप देखिए आपको खुद ही दिखाई दे रहा होगा कि ये ज़मीन से कैसा हो गया है। आप जितने भी लोग आप कहीं से भी इस लाइव को देख रहे हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि आपको गर्मी का कितना कहर जो है वो महसूस हो रहा है। अगर अभी मैं बात करूं तो अभी जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस जो है वो जम्मू में टेम्परेचर है। हालाँकि अभी शाम का वक्त है और शाम के वक्त में भी इतनी ज़्यादा धूप है। लोगों के बचने की अगर मैं बात करूं, यानी लोग किस तरह से बच रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके की ड्रिंक्स जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। कोई शिकंजवी पी के इंजॉय कर रहा है, कोई आम पन्ना पी के अपने आप को रिफ्रेशिंग रख रहा है और कोई नींबू पानी पीकर जो है अपने आप को इस गर्मी से बचा रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आज साफ तौर पर कहा था कि आज 18 मई के दिन जिस तरह से हीट वेव की बात करें, हालांकि टू व्हीलर पर जितने भी लोग सवार होते हैं उनके तो बहुत बुरे हालात है, लेकिन बात करते हैं फोर व्हीलर की, उन लोगों का भी कहना है जो अपनी गाड़ी में एसी लगाकर जो है घूमते हैं, उनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि एसी जो है वो काम नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से हीट वेव का अलर्ट जारी किया है आज ही के लिए। और शाम को ये खबर बताने का मकसद सिर्फ आपको यही है कि टेम्परेचर देखिए, मतलब 5:30 से ज़्यादा समय हो चुका है, और 5:30 से ज़्यादा समय की अगर बात करें तो आप एक बार देखिए, आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि शाम का वक्त होने वाला, आपको अभी भी ऐसा लगेगा कि आप आफ्टरनून में हैं यानी दोपहर के वक्त में। लेकिन इस समय लोग अपने अपने ऑफिस से जो है वो घर की ओर रवाना होते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो खबर यही है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ट्विटर हैंडल पर भी बताया था कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट राजस्थान के ये सब एरियाज में जो है सबसे बुरी सिचुएशन है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 49 डिग्री से 51 तापमान पहुंच सकता है। अभी हाल ही में अगर अप्रैल की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में भी अप्रैल में बहुत अच्छा मौसम था, और जम्मू कश्मीर की बात करें अप्रैल की, वहां पर बूंदाबांदी होती रहती थी, रुक रुक कर बारिशें जो है वो होती रहती। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करते हैं आइसोलेटेड पॉकेट्स की, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, जेनेटिक वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, कच्छ जैसे एरियाज में जो है आज के दिन गर्म लूहें चलने वाली थी और उसका आगमन भी उन्होंने दे दिया था। लेकिन आपको बता दें कि अभी जो तापमान इतना ज़्यादा, आप सोचिए अभी आप मई के महीने में हैं, अभी आप जून, जुलाई और अगस्त में एंटर करेंगे तो जून, जुलाई में बताया जा रहा है कि 51 भी जम्मू कश्मीर का पहुंच सकता है। हालांकि अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में कम तापमान रहेगा, लेकिन जम्मू में इन कंपैरिजन टू अगर बात करते हैं कश्मीर की तो ज़्यादा तापमान रहने वाला है। वहीं उस पर बात करते हैं कि आपको किस चीज़ के लिए तैयार होना होगा इंटर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी अगर मैं श्रीनगर की बात करूं तो आने वाले समय में श्रीनगर की अगर हम बात करें 33 से 34 डिग्री सेल्सियस होगा वैली में। अगर मैं सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान की बात करूं तो वहां पर 49 से 51 डिग्री सेल्सियस होगा। वहीं अगर और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं वहां पर 47 से 48 डिग्री होगा, और जम्मू डिवीजन की बात करते हैं 45 से 46 तापमान जो है वो जाएगा। तो आप लोगों को हाइड्रेटेड रहना है पानी पीकर। अभी जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो ब्लैक टॉप है, ये ब्लैक टॉप काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है। जैसे ही हमने यहाँ पर पांव रखा तो हमें भी इस ब्लैक टॉप के बारे में जो है वो महसूस हुआ कि ये काफी ज्यादा गर्म है। आप मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, आप लोगों को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं। और चलिए फिर बात करते हैं कि वहाँ पर जो है वो कैसा मौसम है, आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं और वहाँ पर कैसा मौसम है उसके बारे में आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। जिस तरह से साहिल कुमार है वो बता रहे हैं कि वो सिक्किम से हैं, आजाद खान है मेरे साथ, तो अगर आप लोग भी जिस तरह से अगर हम इस टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, आने वाले समय में अभी तक आपको राहत नहीं मिलेगी। उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि आपको कब तक राहत नहीं मिलेगी, यानी आपको कुछ दिन तक राहत जो है वो नहीं मिलने वाली। हाँ, कुछ दिन के बाद हो सकता है कि मौसम खराब हो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एंटर हो, लेकिन फिलहाल के लिए किसी भी तरह का कोई मौसम में सुधार नहीं होने वाला। और इसी तरह से देखिए बटोत में बारिश हो रही है, अब ईरबट जो है
वो कमेंट कर रहे हैं, लेकिन किसी भी जगह पर अभी हमें कोई भी बारिश का जो है वो नहीं पता है और किसी भी तरह से किसी ने नहीं बताया कि बारिश है। देखिए सज्जाद अहमद है वो दुबई से हैं, दुबई में भी मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। भद्रवाह में जो है यहाँ पर वेदर की बात करें तो भद्रवाह से भी हमारे साथ विशाल मन्हास है। तो इसी तरह से जितने भी लोग मेरे साथ थे वो अपने अपने एरिया का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा, लेकिन अभी बारिशों के आसार जो है वो कहीं भी नहीं है। पूरे एरियाज़ में देखें आप, वहाँ पर यही बताया जा रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस गर्मी से आपको जो है वो ड्रिंक्स बचा सकती हैं, आप अलग अलग ड्रिंक्स लें, जब आप बाहर आते हैं अम्ब्रेला का यूज़ करें, जब ज़रूरी ना हो धूप में ना आए, अपने आप को जो है वो सेफ रखें, सिक्योर रखें और गर्मी से अपने आप को ज़रूर बचाएं, क्योंकि ये लू जो है ये लोगों का बुरा हाल कर रही है। और राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, वहाँ के लोगों का बहुत बुरा हाल है। ये खबर जम्मू से मैं आपके लिए कर रही थी और जम्मू में 5:30 बजे के बाद भी जो है वो धूप छाई हुई है। तो आज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी ट्वीट कर बताया था कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है और लू चलने वाली है। ये लू अभी कुछ दिन तक ऐसे ही रहेगी। आपका क्या ख्याल है उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जाने से पहले जम्मू लिटिल न्यूज़ चैनल को फॉलो और लाइक करना ना।